बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का, देश की बेहद प्रतिष्ठित परीक्षा नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट इस बार सवालों के घेरे में। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। तीन अलग अलग याचिकाएं थी। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी अगर वो इस ऑप्शन को चुनते हैं। उनका स्कोर कार्ड रद्द किया जाएगा और फिर से एग्जाम 23 जून को होगा। रिजल्ट इसका 30 जून तक घोषित किया जाएगा, फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी सभी 24 लाख स्टूडेंट्स की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे रैंकिंग पर असर होगा? क्या छात्र इस फैसले से खुश हैं? क्या उनकी सभी मांगे पूरी हो गई हैं? क्या ग्रेस मार्क्स खत्म करने से एनटीए की साख लौटेगी? चर्चा इसी बात पर करेंगे। सियासी बयानबाजी भी चल रही है, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। दोबारा होगा 1563 छात्रों का नीट एग्जाम, ग्रेस मार्क्स खत्म। री एग्जाम से लाखों बच्चों की रैंक पर पड़ेगा असर। नंबर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ग्रेस मार्किंग की गई है, बल्कि टाइम में कोई टाइम की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी उनके साथ, उसके बावजूद भी उनको दे रहे हो, तो अगर करना है तो सबका करिए। नीट की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक के आरोप किए खारिज। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले साल भी ग्रेस नंबर दिया था, उसके पहले भी दिया था, क्या कहीं कोई फेवरेटिज्म होता है? ये सब क्वेश्चंस हैं, स्पेकुलेशंस हैं, पर इसके लिए एक ऑडिट की जरूरत है। नीट होगी क्लीन। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबका परिचय कराते हैं। भारत भूषण यादव जी हैं, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं आप एबीवीपी के, स्वागत है यादव जी आपका। रमेश भाटी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अमित गुप्ता जी विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत अमित जी। और ग्राउंड से, कोचिंग सिटी से हमारे कोटा संवाददाता हिमांशु मित्तल के साथ नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ग्राउंड का रुख करेंगे, हिमांशु मित्तल के पास चलते हैं। आज जो निर्देश हुए हैं, इन 1563 छात्रों को फिर से ऑप्शन दिया गया है कि या तो ग्रेस मार्क्स हटा लो और अपने मौजूदा परीक्षा के मार्क्स को एक्सेप्ट कर लो, या फिर दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार हो। इन नीट स्टूडेंट्स से जरा पूछिए, क्या वो इस निर्देश से संतुष्ट हैं, सहमत हैं, खुश हैं? छोटे छोटे रिएक्शन जल्दी लीजिएगा। देखिए रविंद्र, लंबे समय से इसको लेकर के विरोध सड़कों पर है, क्योंकि पूरी की पूरी जो जैसे ही रिजल्ट के परिणाम जारी हुए एनटीए की तरफ से, नीट पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई, सवालों के घेरे में एनटीए आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि 1563 स्टूडेंट का रीनीट होगा, यानी फिर से एग्जाम होगा, लेकिन कोटा के जो तमाम छात्र या देश भर में अगर छात्र कहें जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सीधे तौर पर मांग थी कि पूरी की पूरी जो परीक्षा प्रक्रिया है, यानी कि रीनीट की मांग कर रहे थे। और फिलहाल ये स्टूडेंट जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, तब भी इनकी प्रतिक्रिया कुछ यही निकल करके आ रही थी, 1563 स्टूडेंट का एग्जाम फिर से होगा, इस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर। किस बात से सर इस संतुष्टि से? 1500 बच्चों से हमारी रैंक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो फ्लक्चुएशन 40,000 बच्चों का आया है,
जिनके 600 से 650 के बीच मार्क्स हैं, उनकी जो रैंक आई है वो 80,000 तक है, जिनको सर मेडिकल कॉलेज मिलने के कोई चांसेस नहीं है। लास्ट ईयर तक सर 603 नंबर तक कॉलेज मिला था, जो अभी बढ़कर लगभग 650 के ऊपर चला गया है। तो सर इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। 1563 स्टूडेंट जब का रीनीट होगा तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है? नहीं सर, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं कैटेगरी से हूँ तो मेरे 500 बैठ रहे इस साल, तो पिछले साल 450 कट ऑफ गई थी, तो इस साल 550 पहुंची, 100 नंबर का डिफरेंस आया सर। पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखो तो 10-5 नंबर बढ़ते हैं, मतलब 100 नंबर थोड़ी ना बढ़ते हैं, तो कहीं मतलब कॉलेज सीधे तौर पर आप जैसे स्टूडेंट अफेक्टेड होते हैं, क्या कहेंगे सर इससे? क्या वो 650 पे भी बच्चा नाकू से 650 ला के भी उनका सिलेक्शन का कोई भरोसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा, इतना ज्यादा डिफरेंसन कैसे आ गया? ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो पेपर लीक हुआ है या कुछ तो हुआ है। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो सवाल, उस पर सवाल खड़ा कर। हाँ, रीनेट वापिस होना चाहिए क्योंकि कैटेगरी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर हर तरफ से सवाल खड़ा हो रहा है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या आपका व्यू है आज जो फैसला हुआ है उस पर? सर देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि केवल 1500 या 1600 स्टूडेंट का री एग्ज़ाम करवाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि रैंक जो बढ़ी हुई है वो 1500-1600 के रेशियो में नहीं बढ़ी है। जहाँ पे 640-650 मार्क्स पे बच्चे को ये होता था कि बढ़िया कॉलेज मिलेगा, कॉलेज नहीं बढ़िया कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर ये हो रहा है कि जिस स्टूडेंट के 640-650 मार्क्स आए हैं वो इस बात को तरस रहे हैं कि पता नहीं कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये फ्लक्चुएशन केवल 1500 या 1563 स्टूडेंट की रैंक का नहीं हुआ है, बिल्कुल ये फ्लक्चुएशन जो हुआ है रैंक जो है डबल ट्रिपल बढ़ी हुई है। तो इसके साथ और लगातार बात यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो एक स्वर से स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क, या कहें कि फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ तीन मेहमान, भारत भूषण जी भी हैं, रमेश भाटी भी हैं, अमित गुप्ता भी हैं, एक साथ ये टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हैं, हिमांशु मित्तल भी लगातार बने रहेंगे। मैं भारत भूषण जी, रमेश भाटी जी, अमित गुप्ता जी, आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूं और तीनों आप एक साथ जवाब अपने इशारे से देंगे कि क्या आज जो कहा गया है कि 1563 बच्चों के री एग्जाम होंगे, इससे आप संतुष्ट हैं? जो आप तीनों में से संतुष्ट हैं तो हाथ उठाएं। संतुष्ट है कोई? आपने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं। जो ये चाहते हैं कि ये एग्जाम सभी 24 लाख छात्रों का होना चाहिए, रमेश जी, भारत भूषण जी, अमित गुप्ता जी, वो हाथ उठाएं। रमेश जी आप चाहते हैं, भारत भूषण जी आप चाहते हैं दोबारा एग्जाम हो? भारत भूषण जी चाहते हैं दोबारा एग्जाम हो? जी आप सभी को। अमित जी एक मैं पहले बताइए, आता हूं डिटेल में लेता हूं। अरे बताइए ना, चाहते हैं एग्जाम दोबारा हो? अमित जी आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आपके दोनों प्रश्नों का सीधा जवाब जो है वो हाथ उठाने से मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल पूछूंगा सर, जवाब पूछूंगा। नहीं चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट से ही डिमांड करना होना चाहिए। जिनका हो रहा है उनमें कुछ छात्र और शामिल होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, चलिए पहले आप ही से शुरू करते हैं, कौन से और छात्र शामिल होने चाहिए? क्योंकि सभी छात्रों का कहना है कि हमें रीनीट चाहिए, हमें फिर से एग्जाम चाहिए। देखिए 25 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं और भारत में गवर्नमेंट की 50,000 सीटें हैं, तो 24.5 लाख छात्रों को असफल होना ही पड़ेगा दुर्भाग्य से। तो अगर आप मेजॉरिटी की बात सुनेंगे तो आप कितने भी बार बार रिनीट ही आता रहेगा, परंतु ये बात आपसे वो व्यक्ति कह रहा है जिसने खुद AIPMT के एग्जाम को 2015 में क्वैश करवाया था, और भारत के इतिहास में एक ही बार ये एग्जाम क्वैश हुआ है और वो हमारे ही अंदर। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो दो दिन पहले तक यही कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे पता है कि आप यही कह रहे थे कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जी बोलिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। और एग्जाम हुआ है दोबारा, 1563 बच्चों का एग्जाम जिनका होना चाहिए उनका हुआ है। हमारा ये मानना है कि इसमें कुछ और छात्र शामिल होने, कौन बताइए ना, प्रत्येक छात्र को देखिए, हम वो छात्र शामिल होने चाहिए जिनको जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई। अभी क्या है कि 1563 छात्र ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, परंतु और भी छात्र हैं जिनके इनके सेंटर्स पे टाइम लैप्स हुआ था, बस सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये कहां का न्याय है? थोड़ा सा ये चीज है, खुद NTA को अपनी जांच करनी चाहिए कि और कौन कौन से सेंटर थे जहां पर अनियमितता हुई है और जो डिजर्व करते हैं एग्जाम दोबारा देना। आपका कहने का मतलब है कि नीट का ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स देने या ना देने तक ही सीमित है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए,
वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए? परीक्षा पेपर को लेकर अगर मैं गलत नहीं, जो FIR हुई है, जो उसकी जांच चल रही है, वो इसमें शामिल नहीं की जानी चाहिए? जिन छात्रों के फेल हो गए हैं बायोलॉजी और फिजिक्स में, वो टॉप कर रहे हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच इसकी भी नहीं होनी चाहिए कि एक छात्र या कुछ छात्र, मैं बता रहा हूं आपको, लखनऊ की एक छात्र हैं, शायद उनका अमीषा पटेल उनका नाम है, उनके मार्क्स उनकी OMR डुप्लीकेट शीट में 500 से 700 से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन उनको फेल 290-330 के करीब मार्क्स दिखाए गए। इस तरह की बात कंसिडर नहीं होनी चाहिए। अमित गुप्ता जी, अमित जी, मैं पहले तो वो पटेल वाला एग्जाम्पल क्लियर कर दूं कि वो होक्स है। उनका जो केस है वो पकड़ा जा चुका है। 3 साल पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने का भी दावा किया था, और वो पूरा मामला आपके संज्ञान में ला देता हूं कि वो होक्स निकला। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हाँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि नीट पे सवालिया चिन्ह नहीं है, बिल्कुल है, और हमारी स्पष्ट जांच है कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, और यदि जो ये पेपर लीक के दावे जिनका जो किए गए हैं और जिनका खंडन NTA कर रहा है, यदि इन दावों में सच्चाई निकल के आती है तो पूरा एग्जाम क्वैश किया जाए और फिर से एक बार पूरा एग्जाम दोबारा लिया जाए। ठीक है, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पूरे एग्जाम को दोबारा भी लिया जाना चाहिए इस तरह की और अनियमितता अगर ये सिद्ध हो जाता है CBI इंक्वायरी में कि पेपर की पवित्रता भंग हुई है। भारत भूषण यादव जी, आपने कुछ जवाब हां या ना में इसको लेकर नहीं दिया कि क्या सभी 24 लाख स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा आप स्पष्टीकरण दें अपने जवाब देते हुए इस पर। आप देखेंगे कि पूरे देश में जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा एजेंसियां संदेह के दायरे में आई हैं। आप किसी भी प्रदेश का देखिए, इन दिनों पेपर लीक की बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं। NTA बिल्कुल संदेह के दायरे में है, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पेपर लीक की अगर कोई सामने चीज़ें आती है तो पेपर रद्द करना चाहिए, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने और NTA ने स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक की हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, अगर आती है तो करना चाहिए। और ग्रेस की वजह से, भारत भूषण जी, ये NTA ने ये भी कहा था कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं सही से दिए गए। आप ये बताइए कि अगर NTA, आज आपको पता है जब अदालत में ये मामला गया तो बिना जिरह के, बिना आर्ग्यूमेंट के ही NTA ने स्वीकार कर लिया कि हम री एग्जाम लेंगे इन 1563 का। आप पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो री एग्जाम वाला मैटर है, इसमें NTA की गलती उजागर हुई है कि नहीं हुई है? ये तो देश के सामने है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ABVP के आप नेता हैं, इसमें आप कह रहे हैं ना गड़बड़ हुई, NTA ने गड़बड़ की, हम कब मना कर रहे हैं? इसके अलावा और भी आशंकाएं हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? आशंकाएं हैं तो उसमें सरकार जांच करवाए, कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करे, हम कब मना कर रहे हैं? भाटी जी बताइए अपनी भी बात। आप देखिए रविंद्र जी, ये बात केवल NTA की नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये उन 24 लाख बच्चों का जो आने वाले समय में डॉक्टर बनते हैं उनके भविष्य को लेकर है। हम केवल ये कहें कि 1563 लोगों का हम वापस एग्ज़ाम करवा लेंगे और वापस काउंसलिंग करवा लेंगे, ये केवल इतने तक सीमित नहीं है। आप देखिए, अभी जब मैं आपके चैनल पर सुन रहा था और कोटा से जो बच्चे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पिछले बार जो 540 से भी कम गई थी, वो इस बार 100 का डिफरेंशिएट आ रहा है केवल कैटेगरी की मेरिट में। आम मेरिट में तो आप देखिए 150 से ज़्यादा नंबर का डिफरेंस हो रहा है जिन लोगों को पहले पिछले साल कॉलेज मिल गया था, और 40,000 लोगों का वेरिएशन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं है NTA पर, और साथ ही साथ NDA दोनों पर सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार का। आप देखिए, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का भाषण सुन रहा था उनका, देखिए उन्होंने पिछले 4 दिन से 5 दिन से जब से नीट को लेकर कोई बयान चल रहा है, उनको मंत्रालय में मिले 3 दिन से ज़्यादा हो गया, उनका कोई बयान नहीं आया। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नीट परीक्षा को लेकर सवाल किया तो उस पर वो रिप्लाई दे रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, लेकिन सरकार ये राजनीतिक बात सही नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार भी कम से कम इस पर आगे से, अगर 24 लाख बच्चों का भविष्य है तो सरकार इस पर इनिशिएट ले और CBI जांच करवाए। अमित जी जो अभी कह रहे थे कि भाई इस पर CBI जांच हो, मुझे आप बताइए अगर CBI की जांच हम आज करवाने लगेंगे, कम से कम 6 महीने या 3 महीने में CBI कंप्लीट जांच कर पूरा करेगी, जब तक उन बच्चों की काउंसलिंग होकर और क्या कर पाएंगे वो लोग? सरकार को सबसे पहले ये लेना चाहिए फैसला कि सबसे पहले परीक्षा को रद्द करें, नहीं दोबारा से परीक्षा, और
पिछले बार जिन लोगों ने गड़बड़िया किया उसकी तो सीबीआई। भारत भूषण जी, चूंकि ये सरकार पर आरोप लगाए तो इसमें राजनीतिक तौर पर जो आरोप है इसका जवाब भी दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं इसका जवाब भी आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि याचिकाओं का इंतजार अदालत में नहीं करना चाहिए था, अदालत की प्रोसीडिंग पर इंतजार नहीं करना चाहिए था, खुद एनटीए को आगे आकर पहले ही कह देना चाहिए था कि ठीक है हम इन 1500-1600 स्टूडेंट्स का री एग्जाम कराते हैं। भारत भूषण जी, जी बिल्कुल, एनटीए आप देखिए रिजल्ट 14 तारीख के आसपास आना था, लोकसभा चुनाव जिस दिन परिणाम आए उस दिन एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। आप ये देखना, आप ये देखिए, उस रिजल्ट के निकालने के चक्कर में एनटीए अपनी गड़बड़ छुपा रहा था, लेकिन अगर जब कोर्ट में गए हैं तो चीजें सामने आई है। एनटीए को पहले बताना चाहिए था हमने ग्रेस किया है कि क्या किया, अब वो पकड़े गए तो वो बता रहे हैं। और रही बात सरकार की, सरकार ने स्पष्ट कहा है और सरकार इसका जवाब सरकार देगी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पेपर अगर ये भैया अभी कह रहे थे हमारे साथी भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी, खड़गे जी मेरे को लग रहा पिछले 6 महीने से बोलते ही नहीं थे, 6 महीने के बाद बोलने लगे हैं। राजस्थान में एसआई पेपर लीक की आज तक घटनाएं चल रही है, इनकी सरकार ने कितनी बार सीबीआई की जांच करवा दी। ये पेपर लीक शब्द है जो राजस्थान की देन है, जो इनकी कांग्रेस की सरकार थी उनकी देन है। इनके मुख्यमंत्री आरपीएससी जैसी सदस्य नियुक्त कर देते हैं फिर कह देते हैं हमसे गलती हो गई, ये तो इनकी स्थिति है भैया। यहाँ बिल्कुल कोई एग्जाम ही नहीं हुआ भैया, कर रहे हैं अभी एनटीए के लोगों ने स्टूडेंट्स क्या अब अदालत का रुख करेंगे, क्योंकि अदालत की तरफ से ही याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, फैसले दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, या आंदोलन करेंगे, या जो फैसला लिया जा रहा है उसको मानकर घर बैठेंगे इंतजार करेंगे काउंसलिंग में अपने मार्क्स के हिसाब से कि कुछ बात बनती है कि नहीं बनती है। हिमांशु बिल्कुल, मैं इस सवाल के साथ में आता हूँ, इन स्टूडेंट के पास में सीधा जाता हूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है 1563 स्टूडेंट का रीनीट होगा, 8 जुलाई को हालांकि दोबारा सुनवाई है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? काउंसलिंग का वेट करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, या आप लोग कोई मन बना रहे हैं या सड़कों पर उतरेंगे या कोई आपके मन में है? सर, सड़कों पे उतरना अब जायज है ना, कोई फैसला ऐसा आया ही नहीं जिससे स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिले। इन्होंने 1500-1600 बच्चों के लिए जो किया है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अभी तक, क्योंकि रैंक में जो हुआ है ना वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चों के लिए है, लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चा है जो इफेक्टेड है इसमें। तो सर ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है कि 1500 बच्चों के लिए री एग्जाम करवा दिया जाए, 1500 बच्चों के बेसिस पे रैंक दी जाए। तो सर ये मतलब दोबारा से या तो कोचिंग करनी पड़ेगी या तो या फिर मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, री एग्जाम करवा या तो एक सेंटर से 7-7 बच्चों के मतलब 720 आ रहे तो ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कुल मिलाकर? री एग्जाम हो या तो पूरा क्लियरिफिकेशन हो कि वही क्या हुआ है, मतलब ये पेपर का तो लीक हुआ है ये तो कंफर्म है, क्योंकि इतनी रैंक ऊपर जाना मतलब पेपर लीक हुआ है। और तो कुल मिलाकर के ओवरऑल डिमांड, हमारी डिमांड है कि री एग्जाम वापस हो जाए, और नहीं तो फिर कोचिंग करनी पड़ेगी, सरकार को कुछ फैसला प्रदर्शन किया जाएगा। और यानी विरोध प्रदर्शन के अलावा बिल्कुल सर कोई विकल्प नहीं है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और जब सड़कों पे उतरेंगे तो ये सर ये स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। पर अगर इसका कहना है, आशंका है कि इतने ज्यादा मार्क्स परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है तभी आए हो सकते हैं, ये इनकी आशंका है। जल्दी से अमित गुप्ता सर आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस देश में एक इम्तिहान एडमिशन कोर्स के लिए, कोर्सेज के लिए या नौकरी के लिए सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा सकती? यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें आज तक कई सवाल नहीं उठे, बाकी हर एग्जाम में हर परीक्षा में सवाल उठे, चारा क्या है? देखिए नीट के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। हाँ। बहुत ही इसका एक सरल सॉल्यूशन है जो पता नहीं क्यों कार्यपालिका ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जेई में कर दिया, सब जगह कर दिया है, क्यों नहीं हम इस एग्जाम को ऑनलाइन कर देते? जैसे आप जेई का एग्जाम लेते हैं आईआईटी के एंट्रेंस के लिए, कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। इसको भी हम फेजेस में ले सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ना तो लॉजिस्टिक का इशू आएगा। हाँ। और ना ही ये पेपर लीक और चीटिंग के इश्यूज आएंगे, परंतु इसके बावजूद इस एग्जाम को कब से हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन किया जाए। रमेश भाटी जी आपसे जानना चाहूंगा, एनएसयूआई
का क्या कदम होगा नीट के इस स्टेटस को लेकर? मैं उससे पहले अमित जी का बात को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। यही एनटीए है जो यूजीसी नेट का एग्जाम लेती है और पिछले 4-5 साल से लगातार यूजीसी नेट के पेपर लीक की खबरें आ रही थी और इसी वजह से इस बार 18 जून को एनटीए उस एग्जाम को जो 5 साल से ऑनलाइन ले रही थी, साल में 2 बार ले रही थी, उसको ऑफलाइन करवाने की जरूरत पड़ रही है। ऑनलाइन भी एनटीए का एग्जाम लीक होता है, ऑनलाइन क्या करेंगे भाटी जी? एनएसयूआई का क्या कदम है? एनएसयूआई तो स्पष्ट इस पर प्रदर्शन कर रही है और पहले दिन से ना केवल एनएसयूआई, कांग्रेस का सभी अग्रिम संगठन एकमुश्त होकर याचिका भी लगाएंगे कोर्ट में। आप एनटीए ने गड़बड़ किया है, कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई जा रही है, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हम देखिए लगातार 4 तारीख को जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार कांग्रेस अग्रिम संगठन भारत भूषण जी आप क्या करेंगे कर रहे हैं कोर्ट छात्र हितों की बात करते हैं और नारा भी है छात्र हितों के लिए खून बहेगा सड़कों पर, इसी तरह का कुछ नारा भी है बीवीपी का। नहीं, वो एक दूसरा भी नारा है, राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति। जिस दिन एग्जाम हुआ हमारे एबीवीपी ने पूरे प्रदेश नहीं बिल्कुल देश भर में आंदोलन किया। हमारी स्पष्ट मांग थी अगर पेपर लीक कहीं भी संदेह है। भारत जी जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद में बोलिए बोलिए भारत जी बताएं नहीं जल्दी बोलिए दिन एबीवीपी ने प्रदर्शन किया बोलिए बोलिए जल्दी पेपर लीक पे भैया आप ना बोलो तो ठीक। अरे बोलिए इस पर बोलिए जल्दी आप क्या कर रहे हैं एबीवीपी क्या कर रहे हैं किया तो किया आगे क्या करेंगे? अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक शब्द पूरे देश में पैदा किया जिसका नाम है पेपर लीक को लेकर क्या करेंगे गहलोत सरकार? नीट को लेकर क्या करेंगे? बीच में नहीं बोलना चाहिए नीट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला गया था ये ग्रेस देने की वजह से विद्यार्थियों के नंबर बढ़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसने उस पर स्पष्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट के पास पेपर लीक और याचिकाएं सबूत मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही और बात गड़बड़ हुई है तो सरकार ने कहा हम भी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इस पर तो सभी पक्षों को यहां पर हमारे दर्शकों ने भी सुना समझा और स्टूडेंट्स की बात भी यही निकलकर सामने आई कि अभी उनके लिए ये आधा ही फैसला है आधा ही इंसाफ है उन्हें पूरे इंसाफ का इंतजार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बन रही है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।